Afternoon students, today we have to discuss about the topic antidiarrheal. Antidiarrheal means what? It's number of increment of the passing stools, matlab increased frequency of passing stools from your body, matlab stop or slow diarrhea. जो भी हमारा नंबर ऑफ स्टूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो भी फीजेस मटेरियल हमारा एक्सक्रीट आउट होता है, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स विच विल एक्सपेल आउट योर बॉडी इज कॉल्ड एंटीडाइजल. इट ओनली रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डायरिया सच एज अ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी वेन पासिंग स्टूल्स. मतलब कि जो भी हमारा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, जितने भी हमारे नंबर ऑफ इंक्रीमेंट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रही है पासिंग स्टूल्स की, वो जो कंडीशन हमारी होती है वो एंटीडायरियल कंडीशन होती है. इसमें हम लोग नंबर ऑफ ड्रग्स जो होते हैं वो देते हैं, लाइक लोपेरामाइड हो गया, हमारा कोडीन सल्फेट हो गया. ये जो ड्रग्स होती है ये हमारे स्टूल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं. स्टूल्स मीन्स वॉट? सॉलिड बॉडली वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन. जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी हमारा फीसेस मटेरियल है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्टूल्स जो हमारे पास आउट हो रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब बहुत ज्यादा बार, एक दिन में बहुत ज्यादा बार पास हो रहे हैं, तो वो जो कंडीशन अप्लाई होती है वो डायरिया की कंडीशन, एंटी डायरियल कंडीशन होती है. और इनके सिम्टम्स की बात की जाए तो यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन. ये जो होता है मोस्टली कॉजेज होते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के थ्रू इन्फेक्शन जो कॉज कर लेते हैं, लाइक साल्मोनेला, शाइजेला और कैम्फाइलोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, इकोलाय, टॉक्सिन्स. दीज आर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच विल कॉज द एंटीडायरियल कंडीशन, विच विल कॉज द डायरिया इन योर बॉडी. इन हेल्दी एडल्ट मोस्टली डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस, बट इन चिल्ड्रन पर्टिकुलरली माल नरिश्ड अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ डेथ इज ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. बच्चों की बात की जाए, इन चिल्ड्रन इट विल कॉज मेनली बाय द माल नरिश. जो भी हमारा प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर मात्रा में हम लोग जब जो बच्चे होते हैं वो फूड का इंटेक नहीं करते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाता है उनको, माल नरिशमेंट हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो ये जो होता है ये जो कंडीशन होती है अप्लाई होती है, विच विल कॉज बाय लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जो भी हमारे मिनरल्स हैं, जो भी हमारा वाटर का कॉन्टेंट है उनकी बॉडी के अंदर, वो एक सेट ऑफ अमाउंट में, एक रिड्यूस्ड अमाउंट में बॉडी के अंदर होता है, एक सेट ऑफ अमाउंट में, जितने अमाउंट में होना चाहिए उनके बॉडी को मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, मिलना चाहिए मिनरल्स, वाटर वो नहीं मिलता है, तो वो जो होती है कंडीशन, माल नरिश कंडीशन, वो अप्लाई हो जाती है चिल्ड्रंस में. वेदर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट. ओटीसी कंटेनिंग बिस्मथ सबसैलिसिलेट. ओटीसी मतलब ओवर दी काउंटर मेडिसिन. जो भी हमारी ओटीसी मेडिसिन होती हैं वो बिस्मथ सबसैलिसिलेट कैन हेल्प रिड्यूस इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन एंड किल डायरिया causing organisms, although loperamide, imodium and another OTC antidiarrheal used. जो भी हमारी OTC medicines होती हैं, like हमारी जितने भी जो भी inflammation cause करती है intestine के अंदर, causing organisms, although loperamide, imodium, जितनी भी हमारी OTC antidiarrheal drugs होती हैं वो इनके treatment में हम लोग use करते हैं. Where you have talk about the side effects, it will cause the abdominal pain, one-sided pain, or upper abdomen or lower abdomen में pain cause होने लगता है, constipation की condition आती है, number of times stools का formation होता है, water material जो है water का content होता है उसका loss हो जाता है हमारी body के अंदर, dehydration problem हो जाती है, ये सारी जितनी भी conditions होती हैं ये हमारी diarrhea की condition में apply होती है, dizziness हो जाता है, nausea और vomiting की condition हो जाती है, vomiting होने का मतलब सिग्नल रहता है, और जो भी हमारे नॉजिया है, सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग मतलब वॉमिटिंग सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग कॉज होने लगती है, ये सारे हमारे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे डायरिया की कंडीशन में अप्लाई होते हैं. नंबर ऑफ ड्रग्स मैंने भी बताया कि नंबर ऑफ ड्रग्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डायरिया में, एंटी डायरियल में, जो कि हमारी लोपेरामाइड हो गया है. वन ऑफ द बेस्ट नॉन एंटीडायरियल मेडिसिन है लोपेरामाइड, जो कि हम लोग नॉर्मली बेसिस पे यूज करते हैं. कोलेस्टायरामीन हो गया, कोडीन सल्फेट हो गया, पेप्टो बिस्मॉल हो गया, ये ड्रग्स हैं और नंबर ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हमारे डायरिया की कंडीशन में अप्लाई होती हैं. और ये जो हमारा वाटर का जो वाटर कंटेंट होता है हमारी बॉडी से, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फीजेस मटीरियल नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी में जो हमारे बॉडी से बाहर होता है, उसको एक कंट्रोल सेट ऑफ अमाउंट में करने में ये जो होती हैं, ये ड्रग्स होती हैं हमारी हेल्प करती हैं. फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि जो एंटीडायरियल ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी हमारे इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको स्लो डाउन कर देती हैं. इट विल वर्क बाय स्लो डाउन इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीजिंग द टाइम
फॉर द कॉन्टेंट्स ऑफ द बॉल टू बी एक्सक्रीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। तो क्या होता है, जो हमारे वाटर का जो भी एब्जॉर्प्शन है, जो भी हमारा बॉल फॉर्मेशन है, वो हमारी बॉडी से नंबर ऑफ टाइम्स में बाहर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगता है, और जो भी हमारा वाटर का कंटेंट होता है वो और स्टूल्स फॉर्मेशन में हमारी बॉडी से रिड्यूस आउट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि हमारे डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम कॉज होने लगती है। थैंक्स।